उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज यानी सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हो गया है। इस सत्र में वार्षिक बजट 2022-23 पेश किया जाएगा और समझा जाता है कि आगामी 26 मई को सदन के पटल पर वार्षिक बजट रखा जाएगा। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही पहले से अधिक मजबूत हुआ विपक्ष। समाजवादी पार्टी के विधायकों की अगुवाई में कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिशों में जुट गया है। सत्र की शुरुआत के मौके पर सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को जवाब देना होगा और जवाब देना चाहिए। महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर सपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी विधानसभा का यह सत्र बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, लखनऊ।